नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बीएसटी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साइंस की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, चाहे आप एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फाउंटेन पेन का आविष्कार दिए गए ऑप्शंस में से किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताइए इस प्रश्न के लिए हमारा सही विकल्प क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें फाउंटेन पेन की, तो फाउंटेन पेन जो है वो कोशिकात्व के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक युक्ति है, जिसका आविष्कार जो है वर्ष कब हुआ था दोस्तों? तो इसका आविष्कार हुआ था सन 1884 में। और किसने किया था दोस्तों? इसका आविष्कार जो है अमेरिकी आविष्कारक लेविस एडसन वाटरमैन ने किया था। तो दोस्तों, यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी लेविस एडसन वाटरमैन बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अगर हम बात करें तो वाटरमैन जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित वाटरमैन पेन कंपनी के संस्थापक भी है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जी दोस्तों, रासायनिक तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन फॉस्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताइए इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो रासायनिक तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र की संपन्नता को हम सुपोषण कहते हैं। वेरी गुड दोस्तों, जिन्हें भी लगता है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए यूट्रेफिकेशन बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुन के बताइए कि कौन जो है बाकी तीनों से अलग हो जाएगा। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो सारे ऑप्शंस में से हड्डी जो ऑप्शन नंबर डी है ना, वो जो है इन सबसे असंगत हो जाएगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों, अगर हम बात करें तो बाकी तीनों जो विकल्प हैं, इंसिसर कैनाइन और मोलर, यह जो है मनुष्य के दांतों के प्रकार के बारे में बताया गया है, और ये बोन जो है वो हड्डी है, इस प्रकार से ये बाकी तीनों से अलग हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, एक बंटन का माध्य जो है वो 18 है और मानक विचलन कितना है दोस्तों? 7। तो उसका विचरण गुणांक क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, विचरण गुणांक का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जल्दी से आप कैलकुलेट करके बताइए कि इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है हमारा मानक विचलन, और उसे हम डिवाइड किससे कर देते हैं दोस्तों? माध्य से हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर आपको दोनों ही चीजें दे रखी है, आप फटाफट कैलकुलेट करके बता सकते हैं दोस्तों। मानक विचलन दोस्तों हमारा 7 दे रखा है, और अगर हम माध्य की बात करें तो माध्य दे रखा है 18, और उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों 100 से। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? 700 डिवाइडेड बाई 18। और दोस्तों, जब आप 700 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 38.88 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किस ग्रह को प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी दोस्तों, सभी का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो प्रातःकाल या संध्या का तारा जो है वो शुक्र को कहा जाता है। तो जिन्होंने भी बताया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वीनस, उनका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो मानव शरीर में ग्लूकोज का उच्च स्तर होने से हमें डायबिटीज हो जाती है, और दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। और दोस्तों, डायबिटीज की अवस्था में क्या होता है कि अग्नाशय की कोशिकाएं जो वो इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती हैं, जिससे शक्कर का जो उपापचय नहीं हो पाता है, जिससे पेशाब और रक्त में शर्करा की मात्रा जो है वो जरूरत से ज्यादा हो जाती है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। जी दोस्तों, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अभी तक मकड़ी की टांग के पीछे पड़े थे, अब बताइए कि मकड़ी की आंख कितनी जोड़ी होती है? जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें तो मकड़ियों में 4 जोड़ी आंखें पाई जाती हैं। तो यहां से जिन्होंने भी बताया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उनका विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। मगर दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मकड़ी जो है वो ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देख सकती है। और दोस्तों, मकड़ी की अगर हम संघ की बात करें तो मकड़ी जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्राणी है, और जिसका शरीर जो है वो विरोवस और उदर में बटा होता है। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो संसार में लगभग 40,000 प्रजातियां पाई जाती हैं हमारी मकड़ी की। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बल की एसआई यूनिट क्या है? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों, इस प्रश्न के लिए सही विकल्प क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो बल की एसआई यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करें तो केल्विन किसकी एसआई यूनिट होती है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें तो ताप की जो एसआई इकाई होती है दोस्तों वो केल्विन होती है। दोस्तों अगर हम पास्कल की बात करें तो हमारा प्रेशर होता है ना, प्रेशर उसकी यूनिट होती है क्या, पास्कल। और दोस्तों वोल्ट जो है वो किसकी यूनिट होती है, तो बिल्कुल ठीक दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों न्यूक्लियस में क्या परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों, इस प्रश्न के लिए हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो किसी तत्व के परमाणु के न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक को दर्शाती है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहा जाता है? जी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से विचार करके बताएं, इस प्रश्न के लिए हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि ट्रांसपेरेंट तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों ऐसी सामग्री जिसमें से रोशनी बिना बिखरे हुए आर पार हो जाती है उसे हम ट्रांसपेरेंट या फिर पारदर्शक कहते हैं। तो दोस्तों यह जो है प्रकाश का एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जिसका प्रयोग जो है वो प्रकाशिकी में किया जाता है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। जी दोस्तों उष्णता मतलब हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होगा? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, उष्णता या फिर हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को हम ऊष्मा गतिकी बिल्कुल ठीक है थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। जी दोस्तों निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? जल्दी से विचार करके बताओ दोस्तों, प्राकृतिक या फिर आर्टिफिशियल रूप से जब हम रीस्टैब्लिशमेंट कर रहे होते हैं जंगलों की तो उसे हम क्या कहते हैं? दोस्तों बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वनीकरण रीफॉरेस्टेशन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। जी दोस्तों ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों मृदाओं से संबंधित हर बार प्रश्न पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन सी फसल के लिए कौन सी मृदा उपयोगी होती है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको पता होना चाहिए, जल्दी से विचार करके बताएं फिलहाल इस प्रश्न के लिए हमारा सही विकल्प क्या होगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में सर्वाधिक पाए जाने वाली जो मृदा है उसे हम कछारी या फिर जलोड़ कहते हैं। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए उनका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। जी दोस्तों अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? जी दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा के कण अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है नासा, तो दोस्तों नासा के पहले सैंपल वापसी मिशन के तहत जेनेसिस नामक अंतरिक्ष यान से लाया गया था। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए उनका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों यह कब लाया गया था? तो यह लाया गया था 8 अगस्त 2001 में। तो बिल्कुल ठीक है, 8 अगस्त 2001 में इसे लॉन्च किया गया था। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। जी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और क्या आप जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए कंगारू की। तो दोस्तों कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये हम सभी जानते हैं, और कंगारू जो है वो एक मार्सुपियल्स का उदाहरण हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें मार्सुपियल्स की तो इसके अंतर्गत धानी या पाउच मादा मार्सुपियल्स प्राणियों के शरीर पर खाल मोड़कर बनी हुई एक विशेष थैली होती है। और दोस्तों मार्सुपियल्स प्राणियों के बच्चे जो है वो अन्य प्राणियों के बच्चों के गर्भधारण काल की तुलना में कम समय के लिए ही गर्भ में रहते हैं, अतः उनका विकास जो है उतना नहीं हो पाता, और इस कारण जब जो नवजात शिशु होता है बच्चा होता है उसे एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है। इस कारण जो है वहां पर धानी में पहुंच जाते हैं वो कंगारू के, तो इसलिए दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर बी।
वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। जी दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं स्पष्ट के लिए सही विकल्प। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो दोस्तों धूमकेतु जो है वो एक सौर मंडलीय निकाय है जो बर्फ धूल और गैस के न्यूक्लियस से बने छोटे छोटे खंड होते हैं, और दोस्तों ये ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, और दोस्तों ये जो है वो सूर्य की परिक्रमा अंडाकार पथ में लगभग 6 से 200 वर्ष में पूरी करते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। जी दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस प्रश्न के लिए सही विकल्प क्या होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी जयपुर फुट, तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों जयपुर फुट जो है वो रबर से बना एक आर्टिफिशियल पैर होता है जो ऐसे व्यक्तियों के लिए वरदान है जिसका पैर घुटने के नीचे क्षतिग्रस्त हो गया हो या किसी दुर्घटना के कारण कट गया हो। तो यहां से आपका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जयपुर फुट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों हमारे ग्रह पृथ्वी का धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न होता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से विचार करके बताइए और सभी का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारे ग्रह धरती का नाम अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न हुआ है, और दोस्तों पृथ्वी जो है अंग्रेजी के शब्द अर्थ और लैटिन के शब्द टेरा जिसे विश्व या फिर द वर्ल्ड भी कहा जाता है इससे बना हुआ। तो बिल्कुल सही दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही प्रश्न हो जाएगा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों ए बी और ओ ब्लड ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों इस प्रश्न के लिए हमारा सही विकल्प क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो कार्ल लैंड स्टीनर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। इस ग्रुप प्रणाली का आविष्कार जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। जी दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में नमक की कुल कितनी मात्रा होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा पॉइंट जी दोस्तों 0.4% बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो हमारा रेगुलर यूज में आने वाला थर्मामीटर होता है उसके अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं? बिल्कुल ठीक दोस्तों, इसके अंदर हम पारे का प्रयोग करते हैं जिसे हम मरकरी भी कहते हैं। तो दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। जी दोस्तों एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है वह किसका उदाहरण हो जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए हमारा सही विकल्प क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम अपवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों इसी कारण पानी में पड़ी कोई लकड़ी या चम्मच हमें बाहर से देखने पर क्या दिखता है? तिरछी दिखाई पड़ती है। और दोस्तों इसके अन्य उदाहरणों में बात करें तो तारों का टिमटिमाना है, जल के अंदर पड़ी वस्तुएं तथा तालाब या नदी की तली जो है वास्तविक गहराई से कुछ उठी हुई हमें नजर आती है। इसीलिए आप अगर बाल्टी में भी आप पानी देखोगे तो उसका जो बेस है वो आपको थोड़ा सा एक्चुअल पोजीशन से पास में नजर आएगा। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन इस प्रश्न के लिए दोस्तों बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तलवार जैसी चोच वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताएं। हमिंग बर्ड से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों इस प्रश्न के लिए हमारा सही विकल्प क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी कि इसकी चोच इसके शरीर से लंबी होती है यह कथन जो है वो विशेष है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो प्लूटो है उसके चांद का क्या नाम है? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों। बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए प्लूटो के जो चांद है उसके ग्रह प्लूटो का जो चांद है उसका नाम है चेरॉन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत है? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों इस प्रश्न के लिए हमारा सही विकल्प क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें मैंग्रोव वनस्पतियां जो है वो समुद्र तटीय या फिर निम्न डेल्टाई क्षेत्रों में विकसित होते हैं, और दोस्तों इन क्षेत्रों में ज्वार के कारण समुद्र में स्थित लवण स्थलों पर पहुंच जाते हैं जो मृदा को दलदली और लवणीय बना देते हैं। दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। वेरी गुड, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी बताया। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों उस प्रोसेस का क्या नाम है जिसमें गैस
सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए इस प्रश्न के लिए हमारा सही विकल्प क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो डिपोजिशन बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है, जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों इस प्रश्न के लिए हमारा सही विकल्प क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम जो है वो घनत्व है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर सी उनका विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं जी। दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस माने जिसे हम टीबी कहते हैं, क्षय रोग भी कहा जाता है। तो जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों इस प्रश्न के लिए कौन से वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए दोस्तों बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, BCG। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, बैसिलस कालमेटे ग्रिम, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। जी दोस्तों, और आविष्कार से संबंधित हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर फिलहाल आपका हेनरी बेकुरेल इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, हेनरी बेकुरेल के द्वारा जो है रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत की खोज किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं कि अगर हमें विटामिन ए की आवश्यकता है तो दिए गए ऑप्शंस में से किसका सेवन करके हमें विटामिन ए जो है वो सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हो सकता है। तो बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, गाजर से हमें दिए गए विकल्पों में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हो सकता है। अगला प्रश्न जी दोस्तों, किससे लेकर सूर्य की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर सूर्य की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों क्या जानते हैं कि खसरा जो है वो किसकी वजह से होता है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो खसरा जो है वो श्वसन प्रणाली में वायरस, विशेष रूप से मोरबिली वायरस के जीन्स पैरामिक्सो वायरस के संक्रमण से होता है। तो जिन्होंने भी बताया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वायरस, उनका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पसीने वाली ग्रंथियां जो है मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है। जी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो पसीने वाली ग्रंथियां जो है मानव शरीर की त्वचा में मौजूद होती हैं, और दोस्तों त्वचा में पाई जाने वाली स्वेद ग्रंथियों से पसीने का स्राव होता है और इन्हें एक्राइन स्वेद ग्रंथि या फिर पसीना ग्रंथि भी कहते हैं। तो जिन्होंने भी बताया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उनका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी मिसाइल जो है दोस्तों भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो जुलाई 1983 में भारत ने स्वदेशी मिसाइल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य के साथ समन्वित निर्देश प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी दोस्तों, और उस दौरान जो है अग्नि का, पृथ्वी का। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। तो दोस्तों विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रा नहीं होगी, तो यहां से जिन्होंने भी बताया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उनका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं जी। दोस्तों एक त्वरण के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या होता है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं इस प्रश्न के लिए सही विकल्प क्या होगा। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की जो अलग अलग संख्या है वही इसका कारण होता है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी, उनका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा जो है वो सांवली हो जाती है, तो ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों सभी का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा जो है वो सांवली मेलानिन की उपस्थिति के कारण हो जाती है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं जी। दोस्तों मलेरिया रोधी दवाओं के आविष्कार को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, यह दवा किस औषधीय पौधे से निकलती है। तो दोस्तों प्रश्न यही है आपका कि मलेरिया रोधी दवाओं का आविष्कार किस पौधे से किया जाता है। जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों, किसके द्वारा मलेरिया रोधी दवाओं का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्टेमिसिनिन
जिसे हम अजवैन भी कहते हैं। बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहां स्थिर होता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी दिल, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आंतरिक गति निर्धारक जो है मानव शरीर के अंग दिल में होता है। और दोस्तों हाइपोथैलेमस शरीर का ताप नियंत्रित करता है और शरीर के बाहरी ताप का नियंत्रण कान के द्वारा होता है। तो वेरी गुड, इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों किस विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव होता है? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों इस प्रश्न के लिए हमारे सही विकल्प क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो न्यूट्रिनो विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। तो दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों बने रहिए अपने चैनल बीएसएटी की क्लासेस के साथ। अपना साथ हमारे साथ हमेशा बना के रखिएगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।